नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और आरजे न्यूज़ के साथ मैं धनवीर जहरे। छत्तीसगढ़ सरपंच संघ 13 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है। ये जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद के सामने सरपंच संघ पूरे अपने दल बल के साथ यहाँ पे कलम बंद काम बंद का आह्वान किए हैं और पिछले यहाँ दो दिनों से वो डटे हुए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं उनको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि सरपंच संघ के तमाम जो सरपंच हो यहाँ पे मौजूद हैं, लगभग जो सरपंच यहाँ मौजूद हैं। सर, आप बताएंगे क्या कुछ आपकी मांगे हैं, उसको लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बताएंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सरपंचों को जो तकलीफ़ है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंचों को, उसके खिलाफ़ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और हम लोगों को 13 सूत्री मांग है जिसका ज्ञापन हम लोगों ने अधिकारियों को दे रखे हैं, और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। ऐसी क्या कुछ मांगे हैं आपकी जिसको लेकर आप सरकार से मांग कर रहे हैं? जैसे हम लोग क्या है, विधायक जैसे निर्वाचित होता है, हम लोग भी वैसे निर्वाचित हुए हैं। धारा 40 में हम लोगों को सरपंचों को निकाल दिया जाता है पंचों के माध्यम से, ये गलत है। विधायक पेंशन पाता है, तनख्वाह मिलती है, सरपंचों को कुछ नहीं मिलता। कम से कम हम लोगों को पेंशन दिया जाए, ये हम लोगों की मांग है। तो चुनाव आयोग के नियम से क्या आपको आपत्ति है? नहीं, चुनाव आयोग से क्या मतलब हमको? जैसे विधायकों पंच आप निकाल संगठित करके निकाल दिया जाता है, निर्वाचित तो नहीं है। अविश्वास का प्रस्ताव को आप गलत मानते हैं क्या? नहीं, गलत है ही है। तो जब पूरा मतदाता चुन के लाता है तो सब पंचों के माध्यम से क्यों निकाला जाएगा, उसको क्यों निकालना चाहिए? और तो कहीं ना कहीं आप चुनाव आयोग की यदि सरकार के नियम को गलत, इस नियम को ख़त्म करना चाहिए, कहना है आपका? नहीं, नियम को परिवर्तन करें ना भाई, उसमें क्या है, हमेशा होता है संशोधन, नियम में हमेशा संशोधन होता है। और कौन से विशेष मुद्दों को बताएंगे कि यह मांग हमारी पूरी होनी चाहिए करके? जो बता रहे हैं वही मांग पूरा होना चाहिए है। 2 साल कोरोना में बढ़ाना चाहिए, 2 साल परेशान हुए हम लोग है ना, उसको बढ़ाना चाहिए। पेंशन में देना चाहिए है ना, राजस्थान में जैसे बढ़ गया है 1.5 साल, मध्य प्रदेश में बढ़ गया है ना, तो छत्तीसगढ़ में ही बढ़ाना चाहिए ना भाई। मानदेय की बात आप कर रहे हैं, मानदेय की जो ओरिजिनल जो सूची है छत्तीसगढ़ में, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, कहाँ संतुष्ट होते, फिर हड़ताल क्यों करते हम लोग है ना? कितनी मांग है अभी आपकी? हम लोग 13 मांग है अभी तो। नहीं, अभी मानदेय कितनी आपकी मांग है, कितनी होनी चाहिए? 500 रुपये अभी 500 है। हाँ। कितनी की मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं 4,000, उसको तो कम से कम दे ना भाई। अच्छा, आप बात कर रहे, आप कह रहे थे इसमें घोषणा पत्र में, मतलब आपके पत्र में लिखा हुआ है कि जो कोरोना काल में जो समय जो बीत गया उसमें 2 साल की वृद्धि की जाए, इसको कैसे देखते हैं और किस लिए आप मांग? नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, प्रदेश में हुआ है, बिलासपुर मध्य प्रदेश में तब भी हुआ है बढ़ोतरी, राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, यहाँ भी बढ़ाना चाहिए। तो और कुछ सरपंच उनसे बात कर लेते हैं, उसका क्या कुछ कहना है आप कर लेना था। और कुछ सरपंच है उनसे बात कर लेते हैं, आप कहाँ से हैं और इसको लेके बताएंगे क्या कुछ आपकी मांगे। मैं जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदी का सरपंच हूँ, और सरपंच संघ छत्तीसगढ़ द्वारा जो हमारे 13 सूत्री मांग जो किया गया है उसका हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इसके तहत हम लोग जनपद पंचायत कार्यालय के सामने सभी 94 पंचायत के सरपंच सभी उपस्थित हैं यहाँ पे। अभी तो देखा जाए तो कुछ गिने चुने सरपंच दिख रहे हैं जी। बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी दो दिन से बैठे हैं, अभी का समय 5 बजे के आसपास होने वाला है। चूँकि सब लोग यहाँ एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते, कोई आता जाता रहता है, उसके तहत अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। फिर भी आप समय देख लीजिए, 5 बजे हम लोग कम से कम बहुत सारे लोग बैठे हुए। आज देखा जा रहा था कि सरपंच संघ, जैसे मध्य प्रदेश में संशोधन हुआ कि महिलाओं को आरक्षण दे करके उनको सरपंच बनाया गया है, लेकिन सरपंच जो महिलाएँ सरपंच है वो कार्यालय पर नज़र नहीं आती, इसको कैसे देखते हैं आप?
निश्चित रूप से महिला सरपंचों को जो 50% आरक्षण मिला है उसके तहत उनको नज़र आना चाहिए जनपद पंचायतों में, धरना प्रदर्शनों में आते भी हैं, लेकिन महिलाओं का एक ठो दायरा होता है कुछ भी समय तक काम करने का। चूँकि अभी 5 बज गया है तो 5 बजे महिलाओं का यहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है, 11 बजे 12 बजे तक 1 बजे तक वो यहाँ उपस्थित थी हम लोग के साथ में। आज कितने महिला सरपंच आए थे? आज हम लोग के पास 7-8 महिला सरपंच आए थे। अच्छा जी, देखा जाए तो लिस्ट में करीबन 48 के आसपास सरपंचे हैं महिलाओं, लेकिन सवेरे से हम भी यहाँ पे कवरेज के लिए आए हुए थे, लेकिन 2 दिन में भी लगभग सरपंच आपकी नज़र नहीं आ रहे, क्या कहेंगे जी? मैं इस बारे में ये बोलना चाहता हूँ, अभी 2 ही दिन हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम को शुरुआत हुए यहाँ पर का, और उसके तहत जो है सरपंच, महिला सरपंच भी यहाँ उपस्थित होंगी, पुरुष सरपंच भी यहाँ उपस्थित होंगे। निश्चित ही शुरू में उपस्थिति कम है, लेकिन आगे चल के व्यापक रूप से उपस्थिति दर्ज कराएंगे और उसको भी आप कवर करने के लिए यहाँ आइएगा। तो उनका कहना है कि महिलाओं सरपंच का समय हो जाने की वजह से यहाँ उपस्थिति नहीं दे पाए हैं। आप आएंगे सरपंच महोदय कि जो आप मांग कर रहे थे, रायपुर भी गए थे, वहाँ भी सीएम हाउस से घेराव, लगभग जो आपकी बात कही गई थी, छत्तीसगढ़ भर से, प्रदेश भर से सरपंच संघ वहाँ पहुँचे हुए थे, वहाँ क्या कुछ निष्कर्ष निकला और वहाँ पे क्या कुछ कहा गया था? वहाँ पर तो निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, लेकिन हमारे जो बात है उसको सीएम तक पहुँचाने का एक दायित्व SDM और एक और अधिकारी आए थे, और उनको हम लोग बीच रोड में बैठ करके उसको ज्ञापन दिए हैं, और उन्होंने बोला है कि मैं इसको वहाँ तक पहुँचाऊँगा। उसके बाद पंचायत मंत्री जो नया बने हैं चौबे माननीय जी, उसको भी उस बात का अवगत करा दिया गया है, और उन्होंने पूरी तरह आश्वासन दिया है कि मैं आप लोगों के बात को सीएम साहब तक पहुंचाऊंगा, ऐसा करके बात किया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यशैली से कितने संतुष्ट हैं आप सरपंच संघ? संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि आज तक हमारे कोई भी सरपंच को 10 रुपये का काम हमारे राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। जो भी योजना है, जो भी काम है, जो भी जो मिल रहा है अभी हो रहा है, वो केंद्र सरकार का योजना है, और केंद्र सरकार के जो हमारे योजना है, जो जिसको वित्त की राशि कहा जाता है, उस वित्त की राशि में हमारे जनता का अधिकार है, हमारे सरपंच का अधिकार है, उसको हनन करते हुए हमारे राज्य सरकार ने उसको जनपद सदस्य को, जिला सदस्य को मार दिया है। इसमें हमें बहुत दुख है, क्योंकि हमें हमारे जो अधिकार का चीज़ है उसको हनन किया जा रहा है। इसमें हम सरपंच लोगों को दुखी है, और हम उनको विरोध में नहीं है, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं सरपंच लोगों की, हमारा जो अधिकार है, जो हमारा सही जो अधिकार है, उस अधिकार को हमें मिलना चाहिए। हम इसी कारण से धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश स्तर में सरपंच संघ द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आपने होर्डिंग लगाया है, 2 लाख रुपये होना चाहिए। अभी जो वर्तमान स्थिति है, क्या आपके गांव में गरीब जो वास्तविक में हितग्राही हैं उनको मिलना चाहिए, क्या उनको घर मिल पा रहे हैं? अभी तक तो नहीं मिल पा रहे, क्योंकि अभी तक हमारे जो 2 साल के कार्यकाल में अभी तक हमने किसी हितग्राही को एक इंदिरा आवास का देते हुए आपटन नहीं हुआ है, और रुका हुआ है, और योजना बंद कर दिया गया है, और इस योजना के तहत वो जितने में देते थे उतने में अभी महंगाई को देखते हुए नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने उनको ज़्यादा मांग किए हैं और ज़्यादा देना चाहिए, ताकि जनता 2 लाख का मांग किए हैं, और अगर देता है 2 लाख में तो कम से कम गरीब का अपने छाया के लिए, अपने रहन के लिए, अपने पुत्र परिवार के लिए छाया कर सकता है वो। 2018 में कहा था मोदी जी ने 2022 तक पक्के मकान होंगे, क्या आपके गाँव में पक्के मकान बन गए? पक्के मकान तो पिछले पंचायत द्वारा बनाया गया है, उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं बना है। केंद्र सरकार की योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं? जरूर हो रहे हैं उनके। तो इनका कहना है कि राज्य सरकार नियमों को लेकर के और अपने कामों को लेकर के इनसे दूरियां बनाई हुई है, जो भी काम हो रहा है वो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बजटों से किया जा रहा है, और राज्य सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं। आप बताएंगे कि आप कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि तो हम कई सरपंचों से बात कर ले, उनका अलग अलग विचारधाराएं, आपकी किस प्रकार से आपकी मंशा है राज्य सरकार काम को लेकर? राज्य सरकार से हम लोगों को अभी तक एक भी काम नहीं मिला है, जो जिससे असंतुष्ट हैं सभी सरपंच। आपके गांव में मॉडल गौठान बना है कि नहीं? मॉडल गौठान नहीं बना है हमारे, बनाने की बात कह रहे हैं कि नहीं? मतलब बनाने के लिए मतलब आवेदन दिए हैं, प्रस्ताव सब चीज़ दे दिए हैं, लेकिन स्वीकृति आदेश अभी तक नहीं आया है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है गढ़बो नामा छत्तीसगढ़, इस स्लोगन से कितना संतुष्ट है आप?
कोई संतुष्ट नहीं है अभी तक। 14 महीने का समय बच गया चुनाव होने। हम लोगों क्या है, जिसे 13 सूत्री मांग है उसी को पूरा करने के लिए हम लोग ये सरपंच संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये 13 सूत्री मांग हम लोगों का पूरा होना चाहिए। और हम लोगों का कोरोना काल में 2 वर्ष ऐसी गुजर गया जिसमें हम लोगों को एक भी काम नहीं मिला, इसलिए 2 वर्ष के लिए समय अवधि बढ़ना चाहिए। यदि आप लोगों की मांग, यदि 13 सूत्री जो मांग है वो यदि नहीं पूर्ण होती तो इससे क्या कुछ आप लोग का रणनीति, आगे क्या कुछ आप लोग करेंगे? इसके आगे रणनीति हम लोग का ये बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार उग्र आंदोलन करवाएंगे। अच्छा, 14 महीना शेष रह गए हैं चुनाव होने को, उसको कैसे देखते हैं आप? कुछ नहीं बोलेंगे आप? आप सरपंच नहीं हैं? नहीं, मैं समर्थक हूँ। अच्छा, समर्थक हैं आप। तो इधर मैं कहूँगा कैमरामैन को कि सरपंच संघ के कुछ सरपंच कह सकते हैं, क्योंकि 94 पंचायतों का ये गढ़ है और नवागढ़ में तो कुछ सरपंचों का आवाजाही है और प्रदर्शन में जो है वो यहाँ पे उनका सहयोग नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इन्होंने कहा है कि योजनाओं से हमको छला जा रहा है कह सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या इस आंदोलन से राज्य सरकार जगेगी और इनको क्या वो 2 साल की कोरोना काल महामारी में जो समय बीत गया था, क्या उन नियमावली को राज्य सरकार या कहें कि चुनाव आयोग या बदलती है, या फिर तमाम जो 13 सूत्री मांगों को लेकर के धरना स्थल पर बैठे हैं क्या उनकी मांग पूरा होती है। धनवीर जाहिर, RJ News, जांजगीर चांपा।